विश्व आवास दिवस के अवसर पर मंडला जिले की अनेक ग्राम पंचायतों के सैकड़ों हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाए गए घरों में प्रवेश कराया गया। जिले के बीजा डांडी व मंडला विकास खंडों के करीब 200 हितग्राहियों ने समय पर अपने आवासों का निर्माण पूर्ण कर विश्व आवास दिवस के अवसर पर घरों में रहना शुरू किया। अपने आवासों में गृह प्रवेश कर लाभान्वित लोग खुश व प्रसन्न है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें दुआएं दे रहे हैं कि उनकी मेहरबानी से उनके पक्के घर का सपना साकार हुआ। आवास योजना से लाभान्वित ग्रामीण सुकृति बाई व सालग्राम गृह प्रवेश के बाद बेहद खुश व प्रसन्न है और योजना व प्रधानमंत्री की सराहना करते नहीं थक रहे। धन्यवाद मंत्री जी को, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपके उससे बहुत अच्छा लग रहा। जो कि हमारे पास ना जमीन था ना घर मकान था, जो कि आज हमको प्रधानमंत्री जो है मकान दिया है छत वाला, तो बारंबार उनको धन्यवाद। वही स्थानीय विधायक कहते हैं कि सरकार की मंशा ही यही है कि देश में कोई भी व्यक्ति आवासहीन न रहे। 1,50,000 रुपए में आप देख रहे होंगे कि सरकार की मदद और बाई सुकृति ने थोड़ी बहुत अपनी परिश्रम और मेहनत करके जितना सुंदर घर बनाया है 1,50,000 रुपए में, सचमुच में हमारे लोगों के लिए और जो जरूरतमंद लोग हैं आवास के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण है। और वो सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उन गरीब आदमियों के लिए, उनको आवास देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं सरकार को ऐसे हितग्राहियों की ओर से, ऐसे जिन व्यक्तियों के आवास बने हैं उनकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंडला से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।